हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में सिखाऊंगा जो बीम एंड स्लैब की जो रिइंफोर्समेंट है, कैसे उसको प्रोवाइड करते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं एक ड्राइंग के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ ड्राइंग, और इसमें हम देखेंगे इसके ऊपर जैसे कि 4 फीट है। सबसे पहले हमें बीम, सबसे पहले क्या करते हैं, बीम प्रोवाइड करते हैं। बीम का रिइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो बीम का प्रोवाइड करने के लिए जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा टक बना हुआ है इधर से। तो बीम हमें सबसे पहले प्रोवाइड करना है, जैसे कि ये कॉलम से कॉलम हमारे पास है B1। तो यहाँ पे B1 है 9 इंच बाई 17 इंच। 9 इंच की हमारे पास क्या चौड़ाई रहेगी, बिकॉज हमारे पास जो कॉलम की चौड़ाई है 9 इंची है, उसके जो डेप्थ रहेगी 17 इंची। 17 इंची हमारे पास रहती है टोटल डेप्थ स्लैब विद स्लैब के अंदर। जैसे कि स्लैब की जो थिकनेस रहती है इसकी 6 इंची है। मैं आपको भी ड्राइंग के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपकी ये बीम, जैसे बीम देख रहे हैं यहाँ पे, और क्रैंक बार एक्स्ट्रा बार जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा बार रहेगा L बाई थ्री से। L हमारे पास क्या रहता है, L1 सपोर्ट इनर टू इनर क्लियर स्पैन हमारे पास L1 है, हमारे पास क्लियर स्पैन। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कॉलम का जो स्पैन रहेगा यहाँ से क्लियर से, उस कॉलम के अंदर से स्पैन हमारे पास होता है क्लियर स्पैन। तो क्लियर स्पैन हमारे पास L बाई थ्री रहेगा, कि हमारे पास L बाई थ्री प्लस डेवलपमेंट लेंथ, यहाँ पे आप डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस रहेगा टोटल। तो एक्स्ट्रा बार रहेगा एट सपोर्ट पे, ऊपर सपोर्ट पे रहेगा ये कॉलम का जो भी चौड़ाई रहेगी, जैसे कि चौड़ाई हमारे पास ये वाली जो चौड़ाई देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ठीक है, जो कॉलम की चौड़ाई रहेगा डायमेंशन यहाँ पे दे देंगे कॉलम ग्रिड प्लान में, तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा बार दोनों साइड में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे B3 है, यहाँ पे B1 है, तो B3 एंड B1, यहाँ पे B1 की लंबाई यहाँ से निकालेंगे, इससे B1 की लंबाई निकालेंगे B3 की, और इस कॉलम के अंदर से इस कॉलम के अंदर तक निकालेंगे हम डिस्टेंस B1। तो दूरी निकालने के लिए हमारे पास दूरी निकल गई। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे रिंग्स हम प्रोवाइड करेंगे एंड जोन एंड मिडल जोन जो होता है इसके अंदर। ठीक है, तो L बाई थ्री में स्पेसिंग जो होती है वो ज़्यादा रहेगी। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा रिइंफोर्समेंट, यहाँ पे तो B3, यहाँ पे B1 है, तो B1 के लिए हम रिइंफोर्समेंट लेते हैं ये वाला। तो B1 का डायमेंशन है हमारे पास 12 इंची अंदर अंदर रह जाती है, और 5 इंची स्लैब की थिकनेस, तो 5 इंची जो मोटाई है स्लैब की 5 इंची है। ठीक है, तो रिइंफोर्समेंट टॉप में हमारे पास 3 बार 16 mm के रहे हैं, 3 बार 16 mm के बॉटम में, टॉप एंड बॉटम का रिइंफोर्समेंट हो गया। ठीक है, और B1 हमारे पास कहाँ पर रहता है, B1 ये वाला B1, तो B1 हमारे पास वहाँ पर लास्ट में दिखा देंगे अभी आके। ठीक है, ये हमारे पास एरिया आ जाता है, तो B1 तो B1 का 9 इंची बाई 17 इंची डायमेंशन है, 17 इंची टोटल डेप्थ है, टोटल डेप्थ 17 इंची, और लटक हमारे पास हो गई 12 इंची, और 5 इंची की स्लैब। तो टॉप में 3 बार 16 के बॉटम टॉप में, प्लस उनमें हमें क्या देना है, एक्स्ट्रा बार हमारे पास यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद बॉटम का एक्स्ट्रा बार, ये बॉटम का एक्स्ट्रा बार देखे हैं, बॉटम का एक्स्ट्रा बार भी हमें प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, रिंग्स मिड, जो मिड का आएगा एंड सपोर्ट में, ये हमारे पास रहता है ग्राउंड फ्लोर प्लान के लिए, और ग्राउंड फ्लोर प्लान के लिए स्लैब के लिए मेन स्लैब, ये आपका स्लैब के अंदर दिया हुआ है मेन बार 10 mm का, और डिस्ट्रीब्यूशन मेन बार कौन सा रहेगा, जैसे कि शॉर्टर स्पैन है तो शॉर्टर स्पैन के अंदर मेन बार प्रोवाइड करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास लॉन्गर स्पैन के अंदर, तो 10 और 10 mm का दोनों बार रहेगा। 6 इंची सेंटर टू सेंटर है, 6 इंची इसका सेंटर रहेगा, 6 इंची 6 इंची और 6 इंची ऐसे रहता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला स्पेसिंग रहेगा, ये वाली स्पेसिंग दोनों की 6 इंची। ठीक है, और इन दोनों की स्पेसिंग रहती है 6 इंची, इससे दोनों की स्पेसिंग रहेगी 6 इंची। 12 mm का ये रहेगा, 12 mm का इधर रहता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर B3 का हो गया है, B3 यहाँ पे B2 हो गया है, B3 हो गया है। B3 का हमारे पास जो डेप्थ है 18 इंची इसकी विड्थ है, जो ये चौड़ाई है टोटल B3 की, यहाँ पे विड्थ टोटल है 18 इंची। ठीक है, तो ये 18 इंची, 9 18 इंची हो गई, तो 18 इंची इसकी विड्थ हो गई B3 में, और 7 इंची इसकी टोटल डेप्थ, 7 इंची टोटल डेप्थ आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से रिइंफोर्समेंट हमें रीड आउट करना है स्लैब का। ऐसे क्रैंक बार यहाँ पे देख रहे हैं, मेन बार शॉर्ट बार, मेन बार हमारे पास ये जो मेन बार रहेगा, मेन बार हमारे पास है 12 mm का मेन बार, एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा 10 mm का। इस तरह से हमें प्रोवाइड करना होता है लॉन्ग बार। स्पेसिंग क्या रहती है, 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग सेम। इस तरह से ओपन स्टोरी यहाँ पे रहेगा, ओपन एरिया रह जाएगा कर्वर्ट के लिए, एंड
फिर हमें देखना कि छज्जा यहाँ पे इसके बीम के फेस से यहाँ पे चार फीट रहता है, फिर इसके बीम के फेस से हमारे चार फीट रहेगा। ये स्टैंड शेड हमको देख लेना है, इस तरह से अलग अलग ड्राइंग उसमें आपको रीड आउट करना है। बीम का रेनफोर्समेंट हमने यहाँ से देख लिया है और बी वन सी हमने यहाँ से देखना है, बी वन सी तो 9 इंची बाई 7 इंची। तो ठीक है, इस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। जैसे मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया था, यहाँ पे चार बार हमारे 16 mm के दिखा दिए, 4 mm 16 mm के बॉटम में, फिर एक्स्ट्रा बार डालेंगे। स्पेसिंग क्या रखते हैं एंड जोन, जैसे कि स्पेसिंग रहती है हमारे पास L1, इसकी स्पेसिंग से रहेगा स्पेसिंग क्लियर स्पेन अंदर L1 हो गया। तो जितनी भी L रहेगी उसको भाग करना है 3 से, तो वो स्पेसिंग जितनी आएगी यहाँ से इसे पहुँच आके जब 12 फीट आ गई, 12 फीट को हम 3 से भाग करते हैं, 3 × 12, तो इसके फेस से 4 फीट तक हमारे पास स्पेसिंग रह जाती है 4 इंची, जैसे इस पर ड्राइंग के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास फिर ये कंसील्ड बीम हो गई। कंसील्ड बीम हमें यहाँ पे नीचे वॉल है तो ये कंसील्ड बीम इसमें प्रोवाइड करना है। और एक मिस्टेक हमेशा ध्यान देना है कि जैसे कि यहाँ पे एक एरर देख रहे हैं, मिस्टेक ये हमारे सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये कंसील बीम इसमें ओवरलैप प्रोवाइड करेंगे तो ये प्रोवाइड हमारे पास आगे जाना चाहिए, इस बीम के अंदर इस कॉलम से आगे जाना चाहिए एल्यूमिनियम, इससे भी आपके एलडी डेवलपमेंट एलडी जाना चाहिए इस कॉलम से आगे, तो ये बिग मिस्टेक है। ये वाली बार ये भी खत्म हो गया, यहाँ पे भी खत्म हो गया, तो इसमें ओवरलैप 12 mm का बार है तो 12 × 5 = 60, तो 6-60 सेंटीमीटर तक कम से कम इसमें ओवरलैप रहेगा और इसके आगे जाएगा। तो इस तरह से फिर ये क्रैंक बार तोड़ते हैं। क्रैंक बार भी जो इसमें दिखाया था मैंने L/4 थे, जैसे यहाँ से L/4 तक रहते हैं। और दूसरी बात, कॉलम का जो रेनफोर्समेंट रहता है इधर से जैसे कि हैं, तो यहाँ पे अल्टरनेट होना चाहिए और स्लैब से ऊपर निकलना चाहिए। उसके बाद मास्टरिंग हमेशा स्लैब के ऊपर रख देना चाहिए, यहाँ पे मास्टरिंग प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे क्या होता है जो इनकी जो दूरी होती है वो आपस में बनी रहती है, मास्टरिंग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बस कुछ बेसिक्स पॉइंट थे जो मैंने शेयर किया। उसके बाद हमारे पास जो ड्राइंग में देखा था हमने डाउन पोर्शन, ये डाउन पोर्शन रहेगा जितना बीम का बॉटम है उसके बॉटम में ड्राइंग में कंसल्ट डाउन पोर्शन रहता है, जैसे कि उसमें बाथरूम किचन जो भी आता है। उसके बाद हमने कटआउट देखा था, यहाँ पे कटआउट के लिए ये वाला पोर्शन रहता है, उसकी डायमेंशन ड्राइंग के अंदर दिखा दी थी बेबी मैंने आपको। तो बस कुछ बेसिक पॉइंट थे जो मैंने शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, मिलते रहेंगे टेक्निकल वीडियो के साथ। बाय बाय।